तो जॉर्ज बुश थे इससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंसी, जो अभी है ना ट्रंप, इससे पहले थे जॉर्ज बुश, उसने लिखा था आर्टिकल में कि मतलब अपने फौजियों को कहा, कह रहे थे वो कि आपको जहां से भी अल्लाह अकबर की आवाज सुनाई दे वहां उस साइड में मत जाना, अपने फौजियों को कह रहे। अमेरिका मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफ दैट कंट्री, सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास, वही कह रहे हैं आपको जहां से अल्लाह अकबर की आवाज सुनाई दे मत जाना। क्यों ऐसा क्यों? उसने नमूना देखे अफगानिस्तान में, एक बंदा आ रहा है पत्थर उठा के टैंक को मार रहा है, टैंक उठ रही पत्थर से, उसके पास वेपन्स नहीं है, उसके पास रॉकेट्स नहीं, मिसाइल्स नहीं है, देख लिया नमूना, देख लिया फर्क क्या है? आप कर सकते हो? वो उस बंदे को पकड़ के ले जा रहे हैं, अपने ये पत्थर से कैसे उड़ा दिया? उसने कहा मैं मुसलमान हूं इसलिए पत्थर से उड़ा दिया। मुसलमान मतलब क्या है? मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलम ईमान, इसका ईमान पक्का, इस पर ईमान अल्लाह का, इसका ईमान पक्का, उसे मुसलमान कहते हैं। मुसलमान तो दूर, हम तो इंसान कहने को बुलाए, आपको इंसान बहुत दिख रहे हैं ना, एक एक में भी इंसान है मिलेगी, आई डोंट थिंक सो, पेपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही होते ना, पीछे वाली जनरेशन का आईना हो, दिखा रहे हैं आपने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। ये जो पीछे वाली जनरेशन है ना, वो देख रही है अपने आईने को, आने वाली जनरेशन, इन्हें अच्छी तरबियत नहीं मिली, ये चले गए बिगड़ते गए। इंसान की खासियत, इसे बुराई में मजा आता है, एक टाइम वो आता है जब ये बुराई करता जा रहा है, करता जा रहा है, इसको लगता है बस अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं। एलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम सुना है ना, सुना है ना, कौन थे वो? सिकंदर आजम जी ने कहते कौन थे? पूरी दुनिया को फतह कर दिया, पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा, किधर किधर नहीं रहे, उनका ईगो भी उनके साथ चला गया। बार बार आपको कह रहा हूं, अभी भी आपके पास टाइम बहुत टाइम, लेकिन ये वक्त जब निकलता है ना उसके हाथ नहीं आता, अभी भी आप सुधर जाओ, आप अपने आप में एक डिसिप्लिन किए, आप अपनी लाइफ इस तरह से जियो कि दूसरे आपकी मिसाल दे दे दे। फिर फर्स्ट में एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा होता कि आप ऐसे बनो कि जो ईसाई है बाकी मजहबों के लोग है ना, वो आपका आपकी जिंदगी देखकर, आपका चाल चलन देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाए जिसका उम्मत ही ऐसा है वो नबी कैसा होगा,